गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पंजाबी बाग दे एग्जीक्यूटिव मैंबर सरदार जसविंदर सिंह सेठी ने साका ननकाणा साहब दे 100 वरे मुकम्मल होण उपर सिख इतिहास दे उस दौर नूं याद कीता है जदों सिख कौम ने शहादतां दे के गुरधामां नूं महंतां तों आजाद करवाया। नाल ही उन्हां ने मौजूदा दौर दे प्रसंग विच वी बड़े ही व्यंगमई तरीके नाल मुकद्दस संस्थावां ते काबज धिरां ते सवाल चुकदिआं उन्हां नूं महंत शाही दा ही बदलिआ रूप दस्सिआ है, जिन्हां दी अगवाई विच गुरु दी गोलक दी लुट हो रही है अते पंथक मर्यादा दा कान हो रहा है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज मैं बाइट देन वैसे आया। अज गुरद्वारा ननकाणा साहब दा साका नूं पूरे 100 साल हो गए हैं। 100 साल पहला किस तरह शहीदियां दे के नारायणी महंता कोलों सिखां ने गुरद्वारा बाबा नानक दे जन्म स्थान गुरद्वारा ननकाणा साहब नूं आज़ाद कराया सी। अज तो 100 साल पहला निरहेड़ो मंत ने गुरद्वारा ननकाणा साहब ते रिवॉल्वर लेके गोलियां चलाईयां सन और क्या सी, सारे सिखां नूं जिंदा जला दिओ जिहड़े ननकाणा साहब नूं आज़ाद कराए हन। पर बाबा लक्ष्मण सिंह और करतार सिंह जब्बर ने अपनियां शहादतां दे इक खून दे नाल गुरद्वारे ननकाणा साहब नूं उत्थों उस दिन आज़ाद कराया सी। अज दा वक्त आ गया है, अज कल युग 100 साल दे बाद अज सानूं दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी नूं अज कल युग दे निरहेड़ू महंत यानी कि बादल कहां कोलों दिल्ली दे सिख गुरद्वारियां नूं छुड़ाना है, सिख इंस्टीट्यूशन नूं छुड़वाना है। करप्शन दा लैवल यह हो गया, अज दे निरहेड़ू महंतां दे उत्ते रोज़ करप्शन दे चार्जिज लगदे हन। दिल्ली के कई एक्स प्रधानों के उत्ते बादलों के प्रधानों के उत्ते 400 BC के मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने इस गल की कोई शर्म लिहाज नहीं है। सब तो वड्डी गल हैगी है कि जड़ा गुरु की गोलक हैगी है, गुरु की गोलक का मिसयूज हो रहा है। गुरद्वारा कमेटी के गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के स्कूलों के कई स्कूलों दिया पिछले 6-6 महीनों तो तनखावां नहीं दित्तियां जा रही। गुरद्वारा कमेटी ने प्रोविडेंट फंड कढ लिया है, टीचरों को प्रोविडेंट फंड कर लिया है, पर वह प्रोविडेंट फंड यूज़ नहीं किया गया, वह बाकी कर्जा विच भी यूज़ किया जा रहा है। दिस इज़ ए क्लीयर मिसयूज ऑफ पावर। दूसरी गल हैगी है, हालात इन्ने बिगड़ गए हैं, डे बाय डे स्कूलों कॉलेजों के स्तर थले गिरते जा रहे हैं। करप्शन लैवल एक दूजे के उत्ते करप्शन लैवल इन्ने ला रहे जने। मैं आने वाली नौजवान पीढ़ी के अगे एक बेनती करता, हाथ जोड़ के बेनती करना वा, जिस तरह असी कलयुग 100 साल पहले करतार सिंह जब्बर और उसके साथियों ने गुरद्वारा निरहेड़ू महंता को गुरद्वारा छाया सी, आज दिल्ली के सारे सिख नौजवानों के अगे मैं अपील करता हाँ कि आओ मिल के आने वाली इस 2021 की दिल्ली गुरद्वारा कमेटी की इलैक्शन अंदर श्रोमणी अकाली दल के इन्ने हथ मजबूत करिए कि असी अपनी जित कर सकीए और दिल्ली गुरद्वारा कमेटी को अज के बादलकाहां को अज के निरहेड़ू महंता को असी ये छुड़ा सकीए। दूजी मेरी आप सब दे के हाथ जोड़ के बेनती है, कल 21 फरवरी 2021 दोपहरी 3:30 गुरद्वारा रकाब कैद साहब पुज के उत्थे अरदास करिए, अरदास दिवस मनाया जाए। वो जिहड़े साढ़े 100 साल पहले साका ननकाणा साहब ही शहीद होए सन उन्होंने याद किया जाए और अरदास करिए कि कलयुग के महंता को कलयुग के निरहेड़ू महंता को बादलियां को असी गुरद्वारा कमेटी हर हाल की छुड़ानी है। उदे पिछे कई रीजन हैं, जदों यहूदिया ने लड़ाई लड़ी सी यहूदी तां ही खत्म हो गए सन, पर यहूदिया ने दोबारा अपने बच्चों नूं संस्कार दिते, एजुकेशन दिती, सब कुछ दिता, अज यहूदी दुनिया ते राज कर सकदे हन ते असी सिख क्यों नहीं राज कर सकते। जब असी लंगर लगा सकते हाँ, सब कुछ लगा सकते हाँ, अपने गरीब बच्चों की फीसा क्यों नहीं दे सकते। असी स्कूलों का स्टैंडर्ड उच्चा करना है कि आज सानू फखर होवे कि गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चे वधिया तो वधिया तमीज लै सकन, वो कर सकन। ये सारे साहब परमजीत सिंह की अगवाई थले, साहब परमजीत सिंह सरना की अगवाई थले ही हो सकता है, जो परिवार को तुसी पिछले 50 साल तो जानते हो जो इस सिख राजनीति के हैगे ने। इस करके मेरी सब दे अगे बेनती है कि आओ सारे एक होके अपने गिले शिकवे छड़ के असी बादलकां नूं बादलकां दे चुंगल तो अज कल दे निरहेड़ू महंता कोलो इह गुरद्वारियां नूं खाली कराना है। फिर हाथ जोड़ के एक बेनती करांगा, जो मर्जी कुछ हो जाए, तुहाडे ते प्रेशर पवे, कुछ पवे, तुहाडी हाथ जोड़ के इको आस होनी चाहिए है, आने वाले अपने वास्ते नहीं, आने वाली अपनी जनरेशन वास्ते,
आन वाले सिख कौम वास्ते कि 100 साल के बाद भी सानू याद किया जाए कि असी 2021 के अंदर बादलका कोलो निराणू महंता कोलो यह गुरुद्वारे खाली कर देके सिख पंथ नू वापस देने ने यह साढ़े हर सिख का फर्ज हैगा कि असी बादलका कोलो गुरुद्वारे नू छुड़ा के अपनी कौम नू वापस कर सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।